अब बात कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी और लेडी डॉन की शादी की, जिसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और अत्याधुनिक हथियारों के साथ पुलिस फोर्स तैनात रही। इतिहास में यह पहली किसी गैंगस्टर की शादी होगी जिसके लिए इस तरह के इंतजाम किए गए थे। जेल से निकली बारात, पुलिस की गाड़ी में आया दूल्हा, जिन हाथों में थे हथियार उन हाथों में सजी मेहंदी, दुल्हन दरवाजे पर खड़ी है और दूल्हा पुलिस के पहरे में पहुंच रहा है। जुर्म की दुनिया की अपनी तरीके की यह पहली शादी है, जब जेल से दूल्हा बारात लेकर अपनी लेडी डॉन के साथ सात फेरे लेने आया है। जिस शादी की चर्चा चारों तरफ थी उसकी तस्वीरें देखिए और अंदाजा लगाइए कि क्यों गैंगस्टर और लेडी डॉन की शादी ने पुलिस कर्मियों की नींदें उड़ा रखी थी। इस शादी में बारातियों को आईडी कार्ड देखने के बाद ही एंट्री मिल रही थी। बैंक्वेट हॉल के बाहर से लेकर अंदर तक बाराती कम, पुलिस कर्मी ज्यादा नजर आ रहे थे। वजह है इस शादी में गैंगवॉर का डर। काला जठेड़ी को शादी के लिए 6 घंटे की पेरोल मिली है। शादी से पहले लेडी डॉन अनुराधा खुद बैंक्वेट हॉल के बाहर आई और मेहमानों की एंट्री करवाने में जुटी नजर आई। इस दौरान वो लाल जोड़े में दिखी। दरअसल जितने भी मेहमान इस शादी में पहुंच रहे थे उनकी एक एक कर लिस्ट देखकर एंट्री करवाई जा रही थी। ये लिस्ट पहले ही पुलिस को दे दी गई थी। कुछ लोगों की एंट्री तो खुद लेडी डॉन अनुराधा करवा रही थी। इतना ही नहीं, इस शादी में बैंक्वेट हॉल में काम करने वाले एक एक स्टाफ की आईडी भी ली गई थी। तिहाड़ जेल से काला जठेड़ी को कड़ी सुरक्षा में लाया गया। पुलिस ने रास्ते की 3 बार रेकी की थी। काला जठेड़ी दिल्ली पुलिस के बख्तरबंद वाहन में बैंक्वेट हॉल पहुंचा। गैंगस्टर संदीप और काला जठेड़ी को लेकर 3rd बटालियन जो संतोष बैंक्वेट हॉल है वहां पर पहुंच गई है। स्वाट कमांडोज की गाड़ी जो है वो एस्कॉर्ट कर रही है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की कई गाड़ियां हैं जिसके जरिए जो है सुरक्षा जो है वो काला जठेड़ी को दी गई है। इस वक्त आप ये देख सकते हैं 3rd बटालियन की ये जेल वैन है जो कि सीधा जेल से काला जठेड़ी को लेकर जो जो वेन्यू है जहाँ पर शादी होनी है वहाँ पर लेके आई है। और ये आप ये देख सकते हैं काला जठेड़ी और लेडी डॉन अनुराधा की शादी की सुरक्षा में 250 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई थी, जिसमें लोकल पुलिस, क्राइम ब्रांच, स्पेशल सेल और स्वाट कमांडो शामिल हैं। पूरे इलाके पर सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है। शादी समारोह स्थल में कैमरे और मोबाइल फोन ले जाने पर पूरी तरह से पाबंदी है। पुलिस पूरी शादी की वीडियोग्राफी भी करवा रही है।